तो हेलो गाइस भाई लोग, अगर आप भी एक सिंपल पॉलीथीन की हेल्प से हॉट एयर बलून बनाना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखते रहिए। वैसे तो दोस्तों मैंने मेरे चैनल पे बहुत सारे हॉट एयर बलून वाले वीडियो डाल रखे हैं, मगर पिछले वीडियो में आपका कुछ डाउट था कि मैंने फ्यूल कैसे लगाया था और कौन सा फ्यूल यूज में लिया था, तो वो सारे डाउट आज मैं इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सो गाइस यार, इस हॉट एयर बलून को बनाने के लिए मैंने बहुत ही सिंपल सी पॉलीथीन का यूज किया है, जो कि हमें कपड़े की दुकान से मिलती है जब हम कपड़े खरीद कर लाते हैं, और ये पॉलीथीन आपके घर में भी आसानी से मिल जाती है। तो मैंने कुछ नहीं किया, जो हैंडल्स रहते हैं उसको कट कर दिया है। उसके बाद मैंने कुछ इस तरह का एक गुब्बारे जैसा बना लिया है। अब इसके अंदर थोड़ी सी गैपिंग करने के लिए दोस्तों मैं इस रिंग का यूज करने वाला हूँ। तो ये रिंग मैंने एक वायर से बना ली है। इस रिंग को सिंपली हम इस बलून के अंदर डाल देंगे और फिर यहाँ पर अपना फ्यूल अटैच करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ, फिर आपको फ्यूल लगा कर दिखाता हूँ। सो गाइस, आप लोगों को इस रिंग को कुछ इस तरह से लगाना है। पहले आपको इस मुंह को ऊपर करना है, एक हिस्सा अंदर डालने के बाद दूसरे हिस्से को अंदर जाने दें और उसको वापस से जो हिस्सा हमने पहले डाला था उसको बाहर खींच लीजिए, तो हमारी जो रिंग है वो अच्छे से लग जाएगी। ये देखो दोस्तों, रिंग अच्छे से लगने के बाद आपको अपनी जो पॉलीथीन है उसको फुला लेना है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से से यहाँ तक एक तार बांधेंगे, फिर उसके ऊपर हमारी कॉटन को लगाएंगे और कॉटन के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालकर उसे जलाएंगे और थोड़ी देर तक इसके अंदर हॉट एयर को इकट्ठे होने देंगे और फिर इसको उड़ा कर देखेंगे। सो गाइस, फाइनली मैंने हमारे फ्यूल को भी हमारी रिंग के ऊपर अटैच कर लिया है। और इस बार वीडियो में ध्यान से देख लो यार, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ और आपको अगर वीडियो समझ में नहीं आती है तो मुझे भी थोड़ा सा दुख होता है। तो यहाँ पर देखो, मैंने इस रिंग को लगाया है। रिंग को लगाने के बाद उसी रिंग के ऊपर एक तार अटैच किया है और इसके ऊपर हमारे कॉटन को ऑयल में भिगा कर रख दिया है। अब सिंपली हमें इसके अंदर आग लगानी है। 1 से 2 मिनट तक हमारी जो गर्म हवा है उसको इकट्ठा होने देना है और फिर हमारा बलून उड़ने लग जाएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करते रहते हैं। तो चलिए अब इसके अंदर आग लगाते हैं और इसकी टेस्टिंग करते हैं। सो गाइस यार, मैंने इसके अंदर आग भी लगा ली है, देख लो। अब इसके अंदर गर्म हवा जो है वो इकट्ठी होना स्टार्ट हो गई है। मुझे थोड़ी थोड़ी सी हमारी पॉलीथीन भी अब गर्म लगने लगी है, तो थोड़ी सी देर अब वेट कर लेते हैं गाइस, क्योंकि यार इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है उड़ने में। तो मैं वीडियो को यहाँ से थोड़ा सा कट कर लेता हूँ। सो गाइस, थोड़ा सा वेट करने के बाद फाइनली हमारा हॉट एयर बलून देखो यार उड़ने लग गया है। और देखो यार ऊपर, इतना ऊपर तक जाने लग गया है धीरे 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 धीरे। तो दोस्तों वाह यार, मैंने सोचा नहीं था कि सिंपल पॉलीथीन का जो बलून है वो इतनी दूर तक जाने के लायक है। और यार काफी अच्छा लगा मुझे ये वीडियो आपके लिए बनाकर, आपको सही लगा होगा।